तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंटिक भारत पर। और आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे कम उम्र के जादूगर द यंगेस्ट मैजिशियन प्रिंस वी डी बैरागी के जादू शो को। लेकिन आप सभी से हमारा ये अनुरोध है कि आप अभी जादू को वीडियो के रूप में देखोगे, लेकिन हम सबसे यही कहना चाहते हैं, हमारी ओर से यही आपसे आग्रह है कि जादू का शो, जादू का प्रोग्राम आपके शहर में कहीं पर भी लगा हो आपके आसपास, तो आप जादूगर का शो देखने अवश्य जाएं, क्योंकि आंखों से आप देखोगे, लाइव देखोगे, तो उसका आनंद, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। एक अलग ही मज़ा आता है देखने में जादू जो प्रोग्राम होता है। इसलिए आप सब जादू पास में देखें, लाइव देखें, तो उसकी बात अलग ही होगी। अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के रूप में, ये भी अच्छा है, ये भी जादूगर का शो है, प्रिंस वी डी बैरागी का फेमस शो है, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी लगे लाइव शो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम 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 माय फ्रेंड्स, माय शो। आई एम मैजिशियन प्रिंस वी डी बैरागी एंड एंजॉय माय वंडरफुल शो रुद्राक्ष गार्डन शुजालपुर। आप सभी का आज के हमारे शो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैजिक मैजिक मैजिक, व्हाट इज मैजिक? मैजिक क्या है? हाथ की सफाई और एक कला है, जिनकी समझ में आ जाता है उनके लिए कलम, के लिए कलम, के लिए कलम, और जिनकी समझ में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, उनके लिए जादू, जादू, जादू। आइएगा पेश करें आज के शो के कई हैरतअंगेज, सनसनीखेज, मनोरंजक करिश्मे। लेकिन शो की शुरुआत से पहले आप लोगों से हमारा एक छोटा सा निवेदन, छोटी सी गुजारिश। शो आपके सहयोग के बिना बिल्कुल अधूरा है, और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हुए एक ही निवेदन, यदि आपको हमारे शो का कोई आइटम, किसी कलाकार की कला अदा पसंद आए, तो जोरदार तालियां बजा करके आपके कलाकार का उत्साह वर्धन कीजिएगा, कीजिएगा। जितनी अच्छी आप लोग तालियां बजाएंगे, उतना हमें शो दिखाने में और आप लोगों को देखने में मजा आएगा, आएगा। We'll be right back.
स्टडी में तुम पढ़ाई करते हैं, उठते ये बताइए आपको डर लगता है किससे? यहां तो नहीं लग रहा है, नहीं आप वहां से उठ के यहाँ पे आए, इट मीन्स आप हमारा हमारा आइटम में सहयोग करेंगे। यस, तो आइए आपके बीच से बुलाई गई कुर्ती के साथ दिखा दे नेक्स्ट पेशकश, अगला करिश्मा। तो आने वाले कलाकार के लिए मुझे इतना ही कहना चाहता हूँ, ए चांद तू चमक या ना चमक, तेरी चमकने का कोई गम नहीं, गम नहीं। ए चांद तू चमक या ना चमक, तेरे चमकने का कोई गम नहीं, क्योंकि आने वाले कलाकार किसी चमकते हुए चांद से कम नहीं। आ रहे हैं द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंड फास्टेस्ट शाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैजिशियन प्रिंस वीटी बैरागी, लेकिन जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। आइए बोर्डिंग के साथ दिखाएं एक बहुत ही शानदार आइटम, एक बहुत ही खूबसूरत करिश्मा। पेश करें द बेट ऑफ एयर द फ्लाइंग फ्लाइंग लेडी 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 ऑन मास्टेज। लेकिन ये आइटम तो आप हमारा देख नहीं पाए, नहीं देख पाए ना, इसके लिए हम आपको हमारे कल रात 8 बजे के पूरे शो का एक स्पेशल गेस्ट के पास देते हैं। कल आप हमारा शो हमारे मेहमान बन के देखिएगा। विचार लो कि मृत्यु है मौत से ना डर, कभी काम ऐसे करे इंसान के मरने के बाद याद करे तुझे सही। I present my wonderful item, the spear of India, India, India.
शैली। एक कलाकार इतनी आसानी से कभी नहीं मर सकता। ऐसे ही कई लाखों करोड़ों दर्शकों की तालियां तेरे लिए इंतजार कर रही है। अपने हाथ में मिला दिल मिले किसी को तो किसी को दिलदार मिले, फूल मिले किसी को तो किसी को फूलों का हार मिले, यारी मिले किसी को तो किसी को यार मिले, और हम जैसे कलाकारों को आप सभी दर्शकों का तालियों भरा प्यार। जिंदगी में कभी मच्छर नहीं मारा और मरने जीने की बात करता है। बाप ने नहीं देखा मैं खाना, बेटा पीने की बात करता है। आजकल की युवा पीढ़ी बड़ी तेजी के साथ नशे की ओर बढ़ती जा रही है। कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मसाला खाता है, तो कोई शराब पीता है। शराब पीने के लिए लोग जब भी बार में बैठ जाते हैं, एक बोतल खत्म करते हैं कहते हैं दूसरी आने दो, दूसरी खत्म करते हैं कहते हैं तीसरी आने दो, पीते ही जाते हैं और खत्म करने का नाम तक नहीं लेते। शायद उन्हें पता नहीं नशा ही नर्क का द्वार है। लेकिन फिर भी आइटम को हमारे शो ने एक मनोरंजक रूप दिया है। पेश वही एक मनोरंजक करिश्मा, एक मनोरंजक आइटम, एक बोतल एक ग्लास माया संसार का बियर बार। लेकिन इस आइटम में आप लोग अपनी निगाहें बराबर बोतल और ग्लास में बनाए रखिएगा। एक बोतल एक ग्लास माया संसार का बियर बार।
बोतल मेरे को दिख रही है कि पूरी घर के तेरे को भी दिख रही है? दिख रही है। अरे नहीं, वाटर वोटल तुम छुपा पा के तुम तो नहीं लाए, जो रखे जा रहे हो फिर बना रहे हो, मतलब एक के बाद एक बना सकते हो, इसका मतलब बहुत सारी बना सकते हो। तो एक काम करो, आप बहुत सारी बॉटल बना दो, मैं बहुत अच्छा एक ठेका खोल लेता हूँ।
बहुत अच्छा लगा। सुजानपुर वाले लोगों से सिर्फ मेरा एक ही कहना है, जिन्होंने सोयो ये नहीं देखा है वो सुजानपुर में उन्हें रहने का हक ही नहीं है। इतना खतरनाक जादू है, पैसा वसूल है। पैसा वसूल, इससे अच्छी बात क्या है? आप बताइए भाई, आपको कैसा लगा? बहुत शानदार दिखाते हैं भैया। क्या खास लगा जादू के अंदर आपको? जादू के अंदर उसने उनके काटा, उसको दो टुकड़े कर दिए, उसको वो बहुत खास था। मतलब पूरा ओवरऑल शो बहुत बेहतरीन है, वो पूरा बहुत बेहतरीन शो है। सुजानपुर के लोगों को यहाँ चीज देखने के लिए कभी नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा भैया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी कलाकारी बहुत अच्छी लगी मुझे। सुजानपुर की जनता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? शो एक दिन का बचा कल के लिए। जिन्होंने सर इस शो को नहीं देखा वही शो से वंचित रह जाएंगे, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सुजानपुर लोगों के लिए बस। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के शो आते नहीं, इस प्रकार के प्रोग्राम आते नहीं है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है अपने शहर के लिए। बहुत 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 बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आप जाएँ तो अपने रिश्तेदार पड़ोस में जो भी अपने लोकल के हैं उनको बोलना कि शो देखे जाके, बहुत ही बेहतरीन है, मुझे भी अच्छा लगा। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सुजानपुर लोग नहीं देखेंगे ना वो वंचित रह जाएंगे चीज़ से। और क्योंकि उसमें सोशल मैसेज भी काफ़ी है, इस पूरे शो के दौरान सोशल मैसेज भी इतने दिए हमने जो बहुत ही अच्छे लगे, मतलब दर्शक को प्रेरणा दी है। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। बिल्कुल चलो। हाँ भाई साहब, आपको शो कैसा लगा? सर मैंने मेरी लाइफ में आज तक ऐसा शो देखा ही नहीं, मतलब मैंने मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने कहाँ बैठा हूँ, मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि आज तक पिक्चर में मज़ा नहीं आता है। अच्छा पिक्चर में मज़ा नहीं आता, पिक्चर में मज़ा नहीं आता, इतना शो में मज़ा आया मेरे को देखने। और लाइव आंखों से देखने मजा आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा लगता है चोरी पकड़ा थी उनकी, बिल्कुल जादू करते वक्त ऐसा लगता ही नहीं है, पूरा ऐसा लगता है जैसे रियल शो चल रहा है, लगता ही नहीं है कि मतलब वो बीच में सारी से लड़कियों को काट दिया और वो पैसे की बारिश कर दी, उसमें लगता ही नहीं है कि मतलब उसमें कुछ ऐसा लगा, अपने को नकली लगा ही नहीं, सब कुछ असली लगा उसमें। सबसे ज्यादा शानदार बेहतरीन शो कौन सा लगा जादू का? उसमें वो लास्ट में लड़कियों को काटते ना आरी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा वही लगा। और पंखे वाला बहुत अच्छा, मतलब सारे शो अच्छे थे, मजा आया। जादू घर सबसे बेस्ट है मेन ईयर में। अच्छा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। हीरो से भी अच्छे बेस्ट, हीरो से बेस्ट है वो। हीरो तो एक बार का है कि होता का है कि नकली शॉट दिखाते हैं, यहाँ तो असली शॉट दिख रही है। अच्छा अरे रिटेक हो जाते हैं, हो जाता है, यहाँ पे लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। तो आप सुजानपुर वासियों से क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा सर कि बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पधारे अपने सुजानपुर में, फ्रीगंज में यहाँ पे शो लगाए, और अगली बार ऐसे जादूगर को वापस सुजानपुर में आने का मौका दिया जाए। अच्छा जनता से अनुरोध करते हैं कि ऐसा शो देखे सफल बनाए, ताकि जनता और भी आए, और इस प्रकार के आर्टिस्ट दूसरे भी आए यहाँ पे सुजानपुर अंदर। सर मैं यही चाहता हूँ सुजानपुर लोगों से, जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा जादूगर अपने सुजानपुर में आएंगे, यहाँ सुजानपुर की उन्नति होगी अपनी। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। और हम भी अनुरोध करते हैं कि भैया कल आखिरी दिन है सुजानपुर के अंदर शो का, 300 चलेंगे, तो आप आए, आपके परिवार को लेकर आए, बहुत ही मजेदार शो है, प्रेरणादायी शो है और इंटरेस्टिंग, आपके पैसा वसूल हो जाएगा। मुझे शो बहुत ही बढ़िया लगा, और खास बात यह है कि जो अभी सर ने दिखाया था ये जो पैसे की बारिश, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को भी दिखाया था, मेरे गाल पे से 100 का नोट निकला था, वो मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा आपको प्रोग्राम के अंदर? प्रोग्राम क्या, मुझे तो सारा ही प्रोग्राम अच्छा लगा, मतलब जितने भी उन्होंने शो दिखाया अपने, सब कुछ अच्छा लगा मुझे। तो आप सुजानपुर की जनता से क्या बोलना चाहेंगे? जनता से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि अभी यहाँ से अच्छा वो नहीं मिल रहा है रिजल्ट उनको, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आएंगे उतना ही फ़ायदा है और मज़ा आएंगे इस चीज़ को देखने में। देखो मूवी तो ऐसा है कि उसमें तो बाहरी चीज़ें होती है, मतलब कैमरे के पीछे होती है सारी चीज़ें, और यहाँ हर चीज़ आपको रियल दिखेगी। तो दोस्तों आपने जादूगर का शो देख लिया है, वीडी बैरागी फेमस जादूगर का आपने शो देखा है, तो इस जादू में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको मजा आया, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के दृश्य, अद्भुत नज़ारे, जानकारी के साथ आपके सामने लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।